मालिक दुआ से। तो ये मेरा सोच अच्छा था, क्योंकि बीच में बहुत सारी मुसीबत आई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इसके बीच में भी सऊदी चला गया था 2 साल के लिए। ये मेरी शॉप मेरी मतलब बीवी संभाल रहे थे, बच्चे संभाल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में पहली बार फैसला अच्छा लिया था, जो मैं शॉप के वजह से मेरा काफ़ी पैसा बच गया। नहीं तो साल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह हमारा मौसम बहुत अच्छा था और जस्ट अभी उठा हूँ तो अभी सोच रहा हूँ कि वो सामने जो मढ़ा छाया हूँ सरपत का, वो चीज़ में और उस पर मिट्टी लगाना है। तो फिलहाल उसमें रहने में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं लगेगा अगर मिट्टी लग जाएगा। और ये भाई, ये टीन का है और इसमें काफ़ी दिक्कत होता है इसमें रहने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लाने, तो देखता हूँ कौन कौन जाएगा। प्रिंस जाता है कि प्रिंस मम्मी जाएंगे, और हमारे एक मेहमान भी आए हैं उधर, वो भी भाई हेल्प कर रहे हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं। और मैडम जी की दीदी हैं, दीदी लगती है भाई, तो भाई इनकी बहन आई है, तो उसका भी मतलब वो भी 2-3 दिन में नहीं आज चली जाएंगी। तो अभी चलता हूँ मिट्टी उट्टी ले आते, और उधर जो बाकी है उधर लगा देते हैं, क्योंकि आधे में लग गया है आधे में बाकी है। एक टटिया बांधी गई है तो उसमें नहीं लगा है बिल्कुल। और मिट्टी लगने से बहुत सफाई हो जाता है और आग बगल कहीं झाल नहीं होता, क्योंकि खाना वाना उधर बनेगा तो आग लगने से थोड़ा बचाव रहेगा। अगर नहीं तो साइड में अगर खाना बनाएंगे चूल्हे पर तो उधर आग लग सकता है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे अभी फिनिशिंग हो रहा है घर का। तो भाई ये है, और इसी तरह लगा देंगे क्योंकि अभी उसमें बाकी है एक में, तो इसी तरह लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो भाई अभी फिर सुबह सुबह सो के उठा है और वो कहीं गया है, मतलब लेटरिंग वेटरिंग गया, क्योंकि हम लोगों को बाथरूम मतलब यहाँ नहीं होता घर पे, और सबको जंगल ही जाना पड़ता है, तो बाहर भी जंगल गया है। तो उसी का इंतज़ार करता हूँ कि जल्दी आ जाए, तो हम दोनों जाते हैं मिट्टी फटाफट ले आते हैं, क्योंकि भाई मिट्टी अभी नहीं लाए हैं तो लाना ज़रूरी है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अभी हम घर से निकल पड़े हैं और हम और प्रिंस दोनों आदमी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि भाई इस तरह बैठने पर 2 आदमी आएंगे और प्रिंस की मम्मी नहीं आ पाएंगी, नहीं तो वो भारती तो आराम रहता हम लोगों को लाने में। तो भाई अभी फाइनली पहुंच गया तालाब में, और भाई बहुत ज़रूरत थी मिट्टी की। ये मिट्टी हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है भाई, तो मजदूरी में लाना पड़ता है क्योंकि उसमें लगाना है। भाई खाना वाना बन के रेडी हो गया है और खाना निकाला जा रहा है, सब्जी चावल, और जौन सा चावल है तो अच्छा भी नहीं लगता। ये खरखरेदार चावल बना के रखे हुआ आज फिर। तो भाई ये मेरा छोटा सा रोटी, मुझे गरम गरम रोटी दो भाई, ये गरम गरम और सब मतलब ठंडा गई रोटी। तो अभी चलते हैं दोस्तों, खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना आके रेडी है भाई, ये देख सकते हो इसमें भी तरी रखी है रात का मच्छी का। तो भाई खाना वाना खा के अभी मैं निकल पड़ा हूँ, क्योंकि अभी जा रहा हूँ मार्केट, कुछ सामान लाना है और सामान लेके आएंगे। तो आज इसीलिए मैं बाज़ार नहीं गया, क्योंकि बहुत जल्दी बाजी में था। तो कर लेते हो कपड़े का व्यापार कैसे कर लोगे, इतना धूप होता है और इतना मेहनत के बाद, और बाइक पर कैसे बाज़ार बाज़ार लेके जाते हो। तो भाई मैं इतना जानता हूँ कि भाई जब मैं सऊदी में था तो मैं वहाँ रातों दिन वहाँ भी काम कर रहा था। अपने यहाँ तो 7 बजे बाद आदमी कोई काम करके राजी नहीं है, लेकिन वहाँ ड्राइवर की काम में जो भी होगा सऊदी अरब में, और भाई 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक वो काम करता है। भाई जो मैं वहाँ 24 घंटा काम कर सकता था तो यहाँ भी काम कर सकता हूँ, यहाँ तो जा। तो भाई रास्ता है, रास्ते में कहीं बारात है, और भाई देख गाड़ी खड़ी है फ्रेश न्यू इंडियन।
समोसा ताजा भैया लाओ, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चौ आठ, छः दे दिया। हाँ आठ। तो फाइनली अभी मैं अपने घर पे आ गया और ये मेरी शॉप है छोटी सी भाई, जो मैंने बहुत मेहनत करके ये शॉप ओपन किया हूँ। और भाई ये गांव में मेरी शॉप है, और गांव में शॉप आपको जानते हो कि कपड़े का शॉप बहुत कम चलता है, लेकिन मैं वही सोच के खोला था कि भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं कपड़े के विषय में, इसलिए मैं गांव में खोलूँगा और खुद के घर पे खोलूँगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर बाहर मैं कहीं भी मार्केट में जाऊँगा तो 5,000-3,000 से नीचे रेंट नहीं है, और वो दुकान नहीं चला पाया तो मुझे हर महीना रेंट भी देना पड़ेगा और 8 घंटा उधर हार्जा करना पड़ेगा, उधर दुकान पे रुकना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसी सोच के मैंने शॉप देहात में अपने घर पे स्टार्ट किया हूँ, तो ऊपर वाले की दुआ से तो ये मेरा सोच अच्छा था, क्योंकि बीच में बहुत सारी मुसीबत आई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, इसके बीच में भी सऊदी चला गया था 2 साल के लिए, ये मेरी शॉप मेरी मदद बीबी संभाल रहे थे, बच्चे संभाल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में पहली बार फैसला अच्छा लिया था, जो मैं शॉप के वजह से मेरा काफ़ी पैसा बच गया, नहीं तो साल में अगर 3,000 महीना कर देते हो गए तो 30,000 या 36,000 तो वैसे लग जाता सालाना इसका रेंट भरते भरते। और अभी 2 साल मेरी शॉप को हो गया ओपनिंग होके, 1 रुपया नहीं दिया हूँ, 1 पैसा भी किसी को रेंट नहीं दिया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, दरअसल उनके लिए स्पेशल है, किसी भाई ने कंप्लेंट किया था कि भाई आप सऊदी अरब छोड़ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हो, आप वहाँ 1,000-1,200 रोज बचाते थे लेकिन आप इंडिया आके 200 रुपये नहीं बचा पाओगे। तो भाई आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और जब नया नया कोई जॉब करता है, नया नया कोई शॉप ओपन करता है, नया नया कहीं भी कुछ भी करता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता 1.5-2 साल, ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन भाई बाहर कंट्री जब मैं फर्स्ट बार गया था तो 1.5 लाख रुपये लगा के गया था, और वो 1.5 लाख लगा के गया था, मुझे 7-8 महीने लग गया था पटाने में, और फर्स्ट बार में इतना प्रॉब्लम हुआ ना मुझे बोली मालूम था, ना मुझे अरबी मालूम था, मुझे इंग्लिश नहीं मालूम था, ना मुझे वहाँ का रूल मालूम था, ये सब मतलब ठीक करने में मुझे 2 साल लग गए थे। तो भाई बात क्योंकि थोड़ा सा अगर गलती होता था तो मालिक सीधा चढ़ जाता था, सीधा उल्टे बोलता था, और वो अपने भाषा में गाली देता, और हर आदमी के साथ ऐसा होता है। अगर जो मैं इतना एक्सपीरियंस है, जितने भी सऊदी जाते हैं यहाँ से इंडिया से या बाहर किसी विदेश से, तो उनको इतना आसान नहीं होता कि बाहर कंट्री में इतना अच्छे से उसको जॉब मिल जाए भाई, क्योंकि वो यहाँ से जाता तो मुझे उसको बिल्कुल अरबी नहीं मालूम होता है कि वो मालिक क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ना उतना एक्सपीरियंस होता है इंग्लिश का कि इंग्लिश भाई तेज हो इंग्लिश में वो बोलने, और सऊदी को उतना इंग्लिश भी सबको नहीं आता, बस अरबी प्योर आता, और ख़ास तक जो हाउस ट्रेवल में जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाहर कंट्री में आप जाओगे तो पैसा सिर्फ ऐसे हिलाते रहोगे और तुरंत पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। अगर मान लो कि हम वहाँ जाते हैं ड्राइवर के रूप में तो हम मुझे 1500 से स्टार्ट से ले, कोई कोई 1200 में चला जाता, कोई 1300 में चला जाता, कोई 1400 में चला जाता, 1500 में लास्ट है जो नए आदमी जाते हैं और सभी नहीं जाते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ वहाँ रोते हुए, और बहुत सारे लोग को देखा हूँ फंसे हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाई मैं अपने देहात अपने इंडिया तो कभी ना कभी तो आता ही हूँ। अगर कोई भी अगर बाहर कंट्री में जॉब कर रहा है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, कभी तो घर वापस आएगा, तो उसके लिए एक नया फिर उसको काम तलाशना होगा, क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं होता होगा काम करने का। जो भी पैसा वो कमाता मुझे 100% मालूम है कि पहले वो घर बनवाता है, अपनी शौक पूरा करता है, ये सब पहले करता है, लेकिन मैंने जीवन में ये कुछ भी नहीं किया हूँ, मैंने घर नहीं बनाया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ मैंने अपने शॉप ओपन किया हूँ और 2 पैसा इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ अपना मतलब जो भी मेरा अगर इधर से पैसा कमा सकते वो चीज़ मैंने बनाया हूँ, और कुछ भी गलत काम नहीं किया हूँ दोस्तों। जैसा कि मैं सोचता था कि मैं अभी माँ बाप के साथ में रहूँगा, क्योंकि मैं 4 भाई हूँ, 4 भाई एक साथ नहीं रह सकते, कभी शादी हो जाती है तो सबको अलग होना पड़ता है, तो भाई मैं सोचा नहीं था कि मुझे भी अलग होना पड़ेगा। अभी जब तक मेरे पास काम नहीं है देहात में, जब मैं काम स्टार्ट किया था तो मैं सोचा था कि इसी से बढ़ाऊँगा, जो सऊदी से कमा करके आऊँगा उसी में लगाऊँगा, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और भाई मुझे अलग से अपना घर बनाना पड़ा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में टीन का छप्पर छाया हूँ और छप्पर के नीचे रहता हूँ, और कच्चे गारा का दीवार उठाया हूँ एक टेम्परेली बस रहने के लिए, क्योंकि उतना पैसा नहीं, उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई हर चीज़ दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास कोई बड़ा
चीज़ नहीं है, कोई मैं बड़ी बड़ी हौंकता नहीं हूँ, जो नेचुरल है वही चीज़ दिखाता हूँ, जो चीज़ मेरे पास है वही चीज़ दिखाता हूँ, मुझे शर्म किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि भाई मैं जैसा हूँ वैसा रहेगा और मुझे बड़ी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इस शॉप पे जो खड़ा हूँ मैं, इसमें 5 लाख रुपया लगाया था भाई, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं मार्केट में अभी सामने देख सकता हूँ, अभी आपको सामने दिखाता हूँ, ये है गट्ठर। और एक गाड़ी लिया था MI पर स्प्लेंडर की जो मैं चलाता हूँ, अभी उसकी किस्त पूरी भी नहीं हुई है, और मैं इसको और उसको साथ में लेके जाता हूँ मार्केट करने। और भाई इतना जानता हूँ कि मैं सऊदी अरब छोड़ा हूँ तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा हूँ कि नहीं मारा हूँ ये मुझे 2 साल 3 साल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि कुछ करूँगा अपने बल पे करूँगा। यहाँ पर 24 घंटा आपको कभी भी ड्यूटी आ जाती है, 12 बजे 3 बजे रात तक आती है, 4 बजे रात तक, कभी कभी ऐसा दिन आता कि खाने को टाइम नहीं मिलता भाई। और मैं सब मुसीबत झेला हूँ, सब कुछ देखा हूँ। अगर आपका फाइन आ जाता है गाड़ी चलाते समय या कुछ कोई भी दिक्कत आ जाता है गाड़ी में, तो 100% आप पे गलती आती है और आपको अपने जेब से भरना पड़ता है। वो चीज़ मैं झेला हूँ, वो चीज़ मैं देखा हूँ। तो भाई बस आप लोगों की दुआ रहेगा तो शायद मैं ये जो छोटा मोटा शॉप चालू किया हूँ या जो सोचा हूँ आगे करने के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगा और पूरा 100% करूँगा, कि मैं भाई विदेश में हूँ और मुझे रात दिन यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करूँगा भाई। तो मैं ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन मैं सऊदी अरब छोड़ के अगर एक रोटी कम खाऊंगा तो चलेगा, लेकिन भाई बाहर कंट्रियों में इतना आसान पैसा कमाना नहीं है। जो भी बाहर कंट्री में रहता होगा उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या क्या बीतता है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना दोस्तों। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।